जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी के पिता को लेकर। खास तौर पे जी हाँ, जो हाल करने की बात कही गई है, आपको बता दें पोस्ट के अंदर, धमकी के अंदर, वो अपने आप में सुनकर जो है रूह कांप जाती है दोस्तों। जी हाँ, बेटे से भयानक हाल करने की, कत्ल करने की धमकी दी गई है सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी को खास तौर पे। जी हाँ, आपको बता दें सिद्धू के पिता अब फिर एक बार जो है अमित शाह से जो है बातचीत की है उन्होंने। क्या कुछ है खबर, क्या कुछ धमकी भरे पोस्ट में लिखा गया है सिद्धू के पिता के लिए, और वो हत्यारा जो है किस तरह से पकड़ा गया है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं आज। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, हत्यारा भी पकड़ा जा चुका है जिसने सिद्धू मूसेवाला जी के पिता बलकौर सिंह जी को उनके बेटे से भी बदतर हालत करने की धमकी दी थी खुलेआम। तो वहीं पिता बलकौर सिंह ने यह भी कहा था जवाब में कि लॉरेंस ने पूरा पंजाब नहीं खरीद रखा है, मैं अपने बेटे का जो जंग है जस्टिस को लेकर वो लगातार जारी रखूंगा। और ये कहकर आपको बता दें वो जो ईमेल भरा धमकी दिया गया था सिद्धू के पिता को, डायरेक्ट उन्होंने पुलिस के हवाले की, और पुलिस ने आईपी एड्रेस जो है जांच करके, सर्च करके, आपको बता दें वहां पहुंचकर उस हत्यारे को पकड़ लिया है। कौन है आखिरकार वो हत्यारा, जी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें देवता समान सिंगर सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी को कत्ल करने की धमकी देने वाला इस वक्त जो है गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान के एक गांव से इस आरोपी को, इस हत्यारे, इस पापी को जो है पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा। उसने ईमेल के जरिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मूसेवाले जी के पिता को गाली गलौज के साथ ही धमकी भी दिया गया था कि तेरा वो हश्र करेंगे जो तेरे बेटे का किया था, उससे भी बदतर करेंगे, नहीं तो तू केस वापस ले लो, और ये जो आंदोलन की बात कर रहे हो वो भी बंद कर दो, और साथ ही लॉरेंस की सिक्योरिटी की भी कोई बात मत करो। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक यह आरोपी लॉरेंस गैंग का ही गुर्गा है, और ये पोस्ट आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, ठीक इसमें एक एक बात लिखी हुई है। धमकी वाली ईमेल जो इस हत्यारे ने की थी वो सारी बातें इस पोस्ट के अंदर, जो स्क्रीनशॉट इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक सिद्धू मूसेवाले जी की मेन ईमेल आईडी जो है इस हत्यारे को पता थी, और उसी ईमेल आईडी पर जो है सिद्धू मूसेवाले जी के पिता को मेल भेजकर जो है धमकाया गया। जी हाँ, इस धमकी भरे पोस्ट को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई खुलेआम इस तरह की धमकी कैसे दे सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है, सुनो सिद्धू मूसेवाले के बापू, तू लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया हमारे भाइयों की सुरक्षा को लेकर अगर कुछ बोलेगा तो तेरा तो पता भी नहीं लगेगा, तुझे मार कर चले जाएंगे। तू और तेरा बेटा इस देश के मालिक नहीं हो, जो तुम चाहोगे उसे सुरक्षा मिलेगी। तेरे बेटे ने हमारे भाइयों को मरवाया और हमने तेरे बेटे को मरवा दिया, हम भूले नहीं हैं। मनप्रीत मन्नू जगरूप रूपा का फेक एनकाउंटर हुआ है और तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए बुढ़े, क्योंकि यह सब तेरे दबाव में हुआ है। 100 बात की 1 बात, अगर तू ज्यादा बोला तो तेरा हाल सिद्धू से ज्यादा खतरनाक भयानक हाल होगा। ओके, मैं आज बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा गोल्डी बरार जग्गू भगवान पुरिया काला जेठ डी सोपू ग्रुप से जय बलकारी सलाम शहीद दानु। आपको बता दे शहीद ये कह रहे हैं सिद्धू मूसेवाले को ना कहकर, ये जगरूप रूपा और मनप्रीत को कह रहे हैं जो एनकाउंटर में हत्यारे पापी मारे गए, जिसने सिद्धू मूसेवाले जी की दिन दिहाड़े हत्या की थी उसे शहीद का नाम दे रहे हैं, और जिसे शहीद का नाम देना चाहिए एक्चुअल में जो सिद्धू मूसेवाले जी शहीद हुए हैं, जिसे शहीद का दर्जा दिया गया है उसे तो ये इनके हिसाब से वो हत्यारा है और आतंकवादी है इनके हिसाब से, जो ये गैंग है इनके ये शब्द हैं। आपको बता दें इस वक्त ये जो धमकी भरा ईमेल मिला उसके बाद जब आईपी एड्रेस के द्वारा पुलिस ने छानबीन की तो डायरेक्ट इस हत्यारे के पास जो है पुलिस पहुंचे, और आपको बता दें आज सुबह सुबह जो है इसे पंजाब ले आया गया, राजस्थान में पकड़ा गया दरअसल ये हत्यारा। जी हां, पंजाब पुलिस उसे हिरासत में लेकर तड़के आज जो है सुबह सुबह पहुंच गई है मानसा। और आपको ये भी बता दें ये जो हत्यारा है लॉरेंस गैंग का ही गुर्गा है, अब उससे कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। जी आपको ये भी बता दें कि बार बार सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स जो है लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिसे लेकर आपको बता दें मूसेवाले के पिता को जो है ईमेल भेजा गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि तेरा हाल उनके बेटे से भयानक होगा, जिसके बाद
आपको बता दे यह ईमेल में जो पोस्ट आया था उसे लेकर सिद्धू के पिताजी पुलिस के पास पहुंचे, मानसा पुलिस को दिया, जिसके बाद गूगल से इसकी डिटेल्स जो है मंगवा कर आईपी एड्रेस के जरिए इस हत्यारे तक पहुंचा गया और इसे पकड़ लिया गया राजस्थान से। और अब ये मानसा में बैठा हुआ है पुलिस के खातिरदारी में, इसकी खूब खातिरदारी होगी जिस प्रकार से लॉरेंस की हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताऊंगी सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स को लेकर, उसके बाद तो आप उन पर इतना प्राउड फील करेंगे कि कहेंगे अगर माँ बाप हो तो सिद्धू मूसेवाले जी के पिता और माता जैसे। आपको बता दें सिद्धू के पिता और माता को धमकी जो मिली थी उसके बाद उनकी फैमिली ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था इन हत्यारों को। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि लॉरेंस ने पंजाब नहीं खरीद लिया, जो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। इंसाफ की लड़ाई जो है, जस्टिस की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने मूसेवाले के पिता और माता की सिक्योरिटी बढ़ाने की जो है फैमिली ने, मूसेवाले की फैमिली ने मांग रखी है पुलिस के आगे। सिक्योरिटी पहले से 2 गुना बढ़ा दी गई है। एक वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ साफ, जिसमें सिद्धू मूसेवाले जी की चैन, लॉकेट, टी शर्ट, शर्ट जो है उसकी मेला लगी हुई है सड़क के ऊपर। देख सकते हैं बिक रही हैं ये सारी चीजें, लोग खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं खुशी खुशी। और सामने जो है सिद्धू मूसेवाले जी की समाधि आप सभी को दिख रही होगी। ये वीडियो जो है अपने आप में बता रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जी से लोग कितना प्यार करते हैं। आप मंदिर जाते हो वहां पर देखते हो कि फन फेयर मेले लगे होते हैं और मेले में बिक रहे होते भगवान की मूर्तियां, भगवान की कपड़े, इस तरह की चीजें। और यहाँ पर जो है पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी सेलिब्रिटी को लेकर दोस्तों किस तरह का जो है दुकान खोलकर लोग बैठे हुए हैं, बेच रहे हैं। ये प्यार है अपने आप में जो जान छिड़कते हैं फैंस सिद्धू मूसेवाले जी के ऊपर। और आपको बता दें मानसा में ये जो दुकानें हैं सड़क के ऊपर खोली गई है, जहां सिद्धू मूसेवाले जी की समाधि है, जहां पर म्यूजियम बनने की घोषणा की गई है, साथ ही कैंसर पीड़ित लोगों के अस्पताल बनने की भी घोषणा की गई है, जो सिद्धू मूसेवाले जी के नाम पर रखा जाएगा, जो कि सिद्धू मूसेवाले जी का सपना था। साथ ही आप एक और वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अपने आप में हत्यारों को जो है मुंह तोड़ जवाब देता हुआ ये वीडियो नजर आ रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल, 6-6 साल, 4-4 साल के, जो हाथ में सिद्धू मूसेवाला और उनकी मदर जी की तस्वीर लेकर, फादर की तस्वीर लेकर जो है जस्टिस की मांग कर रही है। छोटे छोटे बच्चे पिंड के अंदर, ये देखिए जरा, ये वीडियो जो है अपने आप में हत्यारों को मुंह तोड़ जवाब देता है कि हम सिद्धू मूसेवाले जी की जस्टिस लेकर रहेंगे, इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज एक अंगूठी जो है सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड में है। इतना तो डायमंड की अंगूठी भी ट्रेंड में नहीं है जितना सिद्धू मूसेवाला जी की ये मोटी मोटी सी अंगूठी, जो कि आप जिस देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें पग पहना हुआ सिद्धू मूसेवाला जी ने, उनकी तस्वीर है और राउंड में लिखा हुआ है सिद्धू मूसेवाला, ये देखिए जरा स्लोगन है। ये सिद्धू मूसेवाले जी के लिए प्यार है फैंस की तरफ से। फैंस ये बना रहे हैं, एक सुनारे की दुकान है जहां पर ये ज्वेलरी बनाई गई है। और आपको बता दें फैंस जो है खरीद रहे हैं, खरीद कर अपने शो केस के अंदर रखते हैं और पूजते हैं इस तरह से सिद्धू मूसेवाले जी के। पहले तो सिर्फ चैन बनी थी और अब जो है अंगूठी भी बनी है सिद्धू मूसेवाले जी के नाम से, तस्वीर के साथ, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। आपको बता दें ये प्यार है फैंस के लिए, जो दिखा रहे हैं हत्यारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हमारे आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली, हम जस्टिस लेकर रहेंगे, हम माँ और पिता के साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर। पहले क्या कहना चाहेंगे आप सिद्धू मूसेवाला जी के जस्टिस को लेकर? माता पिता तो धमकी मिलने के बाद भी डट कर खड़े हैं, आप किस प्रकार से खड़े हैं माता पिता संग? जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा। ये ज्वेलरी आपको कैसी लगी, अंगूठी कैसी लगी सिद्धू मूसेवाला जी की, ये भी जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।